वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। ओके, सो दिस इज़ अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। मैंने अपनी IGTV पे एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोग फ़ोन से प्रोडक्ट फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो स्टोरी का रिप्लाई कर दें। रिप्लाइज तो आए ही, लेकिन उसके साथ मुझे DMs काफ़ी आए थे। लोग वहाँ पे बता रहे थे कि यार हमने फ़ोन से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने का हमें बहुत शौक है। एंड ऑब्वियसली इट्स ट्रू यार, हर किसी के लिए कैमरा अफोर्ड करना इट्स नॉट ईजी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जिसके पास कैमरा नहीं है, फ़ोन भी है, हम उसकी हेल्प करते हैं, हम उसको बताते हैं यार फ़ोन से ही उसने प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करनी है। और वीडियो में आगे चलने के साथ साथ मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगा, इसमें हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपके सामने करेंगे, ठीक है। उसमें ये भी बताऊँगा कि यार 3-4 जो एसेंशियल चीज़ें हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए फ़ोन से, वो आपको कौन सी चाहिए। और आप जानते ही हो, जैसे अभी हम स्टूडियो में एंड इट इज़ अ लिटिल मेस, सो बेयर विद मी। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको एक क्लीन सेटअप चाहिए। तो हमारा टेबल अभी आप थोड़ा सा डर्टी है, मैं अभी आपके सामने इसको क्लीन करता हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट होंगे। ओके, सो मैं आपको दिखाता चलूँ, आवर टेबल इज़ ऑल क्लीन, आप देख सकते हो बिल्कुल साफ हो गया। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट टिप, अ क्लीन टेबल। कलर जो भी हो, उसका साइज़ कोई भी हो, टेबल आपने जो यूज़ करना है ना, इट शुड बी क्लीन। बस वो साफ होगा ना, आपका आधा काम पूरा हो गया। एंड दैट इज़ योर फर्स्ट टिप, अ क्लीन टेबल। और इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि नेचुरल लाइट में प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करनी है अगर आपके पास आर्टिफिशियल लाइट नहीं है तो, और उसके अलावा अगर आर्टिफिशियल लाइट है तो उसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करनी है, वो भी फ़ोन से। सो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि क्लीन टेबल को एक क्लीन बैकग्राउंड के साथ रखना है। आप पीछे वाली वॉल देख सकते हो, इट्स वेरी क्लीन। अगर मैं इसे पेंटिंग या अगर मैं इसे ये फ्रेम उतार देता हूँ तो ये पूरी फ्लैट प्लेन हो जाएगी, ठीक है। एंड इफ़ आई जॉइन दिस टेबल विद द वॉल तो एक बहुत अच्छी फीलिंग, एक अच्छा फ्रेम आएगा। तो लेट्स डू इट। देखो, ये चीज़ याद रखना कि अच्छी पिक्चर्स लेने के लिए थोड़ी ख्वारी तो करनी पड़ती है, देर इज़ नो शॉर्टकट। ओके, सो अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। ज़रूरी नहीं है जो टेबल का सरफेस है ना आपने पिक्चर के लिए वो यूज़ करना है। आप कोशिश करो, अगर आपके पास कोई क्लीन पीस ऑफ पेपर है, कोई पीस ऑफ आर्ट है या कोई वुड का पीस है, कोई भी हो, अगर वो क्लीन है और मोस्ट स्पेशली अगर वो वाइट है तो वो आपके बहुत काम आ सकता है। बिकॉज वो आपके प्रोडक्ट के जब आप नीचे रखोगे तो उसमें आपका प्रोडक्ट ही प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि लाइट तभी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है जब उसका सर्फेस भी क्लीन होता है और बहुत हार्श नहीं होता। ओके, सो इस वीडियो में वी आर गोना यूज़ दिस स्टफ अपने प्रोडक्ट के नीचे रखने के लिए। आप ये देख सकते हो, इफ़ आई कैन शो यू, यस, ये एक कार्डबोर्ड टाइप स्टफ है। एंड आपने सीलिंग देखी है ना जिस पे लाइट्स लगी होती हैं, ये उसमें से एक दो पीसेस बचे थे एंड इनको उठा के मैं स्टूडियो ले आया, बिकॉज मुझे पता था इनसे काम कैसे लिया जा सकता है। तो आप भी कोई भी चीज़ ले सकते हो ऐसी, बट मेक श्योर इट्स प्लेन वाइट लाइक दिस। कोई भी बोर्ड हो जाए, कोई किसी भी चीज़ का पीस हो जाए, समटाइम्स चार्ट पेपर वर्क एज वेल, थर्मोकोल शीट वगैरह यूज़ नहीं करना, बट मेक श्योर इट्स क्लीन। इस पे लाइट जब डालते हैं ना तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपने कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिस पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। सो अब हम इसको प्लेस करते हैं अपने टेबल पे। अच्छा, अभी द थिंग इज, टेबल को फुल कॉर्नर में करने से ना लाइट थोड़ी ब्लॉक हो रही है विंडो से, ठीक है। हमने ऐसी जगह पे प्रोडक्ट अपने ऑब्वियसली रखना है जहाँ पे लाइट डायरेक्ट आ रही हो। तो अब मैं इस टेबल को थोड़ा इस साइड पे करूँगा, अपनी तरफ करूँगा और लाइट के नीचे करूँगा ताकि लाइट सीधी प्रोडक्ट पे पड़े। सो दैट कम्प्लीट्स आर सेकेंड स्टेप या सेकेंड टिप। पहली टिप थी अ क्लीन टेबल, दूसरी टिप ये है अ क्लीन सरफेस, ठीक है, और तीसरी टिप भी हमारी पूरी हो गई है, अ क्लीन बैकग्राउंड। नाउ ऑल वी नीड इज अ फोन एंड आवर प्रोडक्ट। तो लेट्स सी अब मैं किसकी पिक्चर्स लेता हूँ। अच्छा, सो जस्ट टू मेक इट वेरी ईजी फॉर यू, और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेरे पास चीज़ अभी ये है, इसका कलर अच्छा है, ये बैकग्राउंड के अगेंस्ट भी अच्छा लगेगा, जिसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं, कि सरफेस अगर वाइट है तो आप ऊपर कोई कलरफुल चीज़ रखते हो तो वो अच्छी लगती है। जस्ट एन एग्जांपल, अभी हम इसको ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, सो एज आई सेड, दिस इज़ द थिंग वी आर गोना बी यूजिंग। इसको मैं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार इस पर लाइट कितनी आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कितना ब्लर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और सरफेस को अगर हमने लाना है बीच में तो कितना लाना है। लेट्स सी, दिस इज़ द व्यू राइट नाउ, ठीक है। इसको मैंने कोशिश करके बिल्कुल सेंटर में रखा है, लाइट यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, पीछे बैकग्राउंड क्लीन है, सरफेस क्लीन है, और अगर मैं इसको जूम करता हूँ एंड देयर वी गो, यहाँ तक, तो आप देख सकते हो कि सारा फोकस अब हमारा एक प्रोडक्ट पे है, एक चीज़ पे, ठीक है। एंड इफ आई क्लिक द फोटो राइट हियर, तो डैम दैट लुक्स गुड,
लेकिन एज वी हैव टू यूज अ फोन इन दिस वीडियो, ये सिर्फ एग्जांपल था, मैं आपको दिखा रहा था कि कैमरा से भी व्यू कैसा आ रहा है। एनीवे लेट्स स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स विद आवर फोन। ओके, सो दिस इज द एंगल यू वांट टू कीप। आपने उस प्रोडक्ट के बिल्कुल लेवल पे आ जाना है, आपने नीचे बैठ जाना है ताकि एक फ्लैट सर्फेस वाला लुक आए कि हमारे बिल्कुल मिडल में प्रोडक्ट है और सारा फोकस उस प्रोडक्ट पे है। मैं रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल एग्जैक्ट इस एंगल से पिक्चर लो कि प्रोडक्ट बिल्कुल आपकी रेंज में आपके सामने। ओके, सो आई थिंक वी हैव पुल्ड ऑफ सम गुड फोटोज, पिक्चर्स तो अच्छी आई हैं। आप देख सकते हो इसमें सिर्फ हमने ये दिखाना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो फोकस में। ऑब्वियसली इस पर थोड़ी सी फोटो एडिटिंग होती है, अगर बैकग्राउंड ब्लर इतना क्रेजी नहीं है तो वो फोटोशॉप से डाला जाता है, लेकिन फ़ोन के हिसाब से आई थिंक ये बहुत अच्छी है। दिस वन इज़ रियली नाइस, ये बहुत अच्छी है, आई लव दिस वन, ये भी बहुत अच्छी है। सो यू सी इट लुक्स गुड। आर्टिफिशियल लाइट से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कैन शो यू, क्लीन सर्फेस, क्लीन बैकग्राउंड, वाइट वाले इसलिए बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल लाइट में बैकग्राउंड वाइट और सर्फेस वाइट होता है तो जो प्रोडक्ट होता है ना वो और लाइक विजिबल हो जाता है, वो और डिटेल में आ जाता है, वो और अटेंशन गेन कर लेता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें वाइट कर दी है, ठीक है। एंड दिस इज़ द लाइट वी हैव। अब मैं डायरेक्ट इस पर लाइट डालूंगा और इसमें हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी करेंगे अपने इस लेंस गो के वायरलेस माइक्रोफोन की। ऑब्वियसली ये थोड़ा शाइनी स्टफ है तो ये आर्टिफिशियल लाइट में अच्छा ही लगेगा, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सब कुछ रेडी, आप देख सकते हो लाइट मैंने ऐसी डायरेक्शन में रखी है कि वो डायरेक्टली इस सॉफ्ट सर्फेस पे पड़ रही है, ठीक है। एज आई सेड इसमें हम ये लेंस गो का माइक्रोफोन यूज़ करेंगे, आई होप यू कैन सी इट। तो इसको मैं एग्जैक्ट अपने फ्रेम के अपने हिसाब से या अपने सरफेस के बिल्कुल मिडिल में रखूंगा ताकि लाइट इसके ऊपर प्रॉपर पड़े, ठीक है। तो अब हम उतारते हैं कोई पिक्चर्स एंड देखते हैं रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि ये लाइट जो है ना इस पर प्रॉपर पड़ नहीं रही, तो आई एम गोना टेक इट ऑफ फ्रॉम द स्टैंड और मैं इसको मैनुअली यूज़ करता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर रख के प्रॉपर इसके ऊपर लाइट डाल के अब पिक्चर लेता हूँ तो इट्स गोना चेंज लॉट। आप देख सकते हो आईफोन ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि इट्स HDR, आई डोंट नो व्हाई, बट इफ आई लोअर डाउन द ब्राइटनेस लाइक दिस। अब इसी तरह इफ़ आई यूज़ दिस कैप तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी। लेट्स प्लेस इट राइट हेयर, बिल्कुल इधर इस पर लाइट डालते हैं हम, एंड एज यू कैन सी एक बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। बेशक आप चाहो तो क्लोजअप ले सकते हो, लाइट करीब करके गुची के लोगों को देख सकते हो। लेट्स टेक वन फ्रॉम द टॉप। ओके, सो द फोटोज़ आर रियली नाइस, मतलब मुझे तो अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली एडिटिंग तो होगी, एडिटिंग के बगैर यू कैन नॉट पोस्ट देम लाइक दिस। लाइट, बैकग्राउंड ब्लर, ये सब एडजस्ट होगा। उसके अलावा टोपी शायद थोड़ी सी सीधी कर लेता तो ठीक था, बट दैट्स फाइन। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि दिस इज़ हाउ यू डू इट इफ़ यू वांट टू डू इट एट होम। इस पे ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एंड वक्त के साथ जैसे जैसे आप इस पे और प्रैक्टिस करोगे आप इसमें और ग्रो करोगे। सो आई रियली होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसने कोई ना कोई आपकी हेल्प की होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करते हैं प्लीज़, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।